सिम वेरिफिकेशन का झांसा देकर खाते से 6 लाख रुपए उड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया झारखंड से गिरफ्तार। साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों की गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि समान थाना अंतर्गत संजय नगर में रहने वाले डॉक्टर अंबिका प्रसाद द्विवेदी के मोबाइल पर 16 जून को बदमाशों द्वारा सिम वेरिफिकेशन के लिए फोन आया और उनसे कहा गया कि सिम वेरीफाई नहीं कराई तो सिम 24 घंटे में बंद हो जाएगी, इसलिए सिम वेरिफिकेशन के लिए 11 रुपए नेट बैंकिंग से डाल दें। जैसे ही उन्होंने पैसे डाले वैसे ही उनके खाते से 15 बार में 6 लाख रुपए निकल गए, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत समान थाने में दर्ज कराई, जिसकी पुलिस ने सोमवार को साइबर सेल के माध्यम से आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया और उन्हें झारखंड के जामतारा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने झारखंड से एक आरोपी 70 वर्षीय झरी मंडल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने वहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोबाइल भी जब्त किया है, जिसका उपयोग फ्रॉड के लिए किया जाता है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जून महीने की 18 तारीख को फरियादी के द्वारा समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके मोबाइल में 15 बार में करीब 6 लाख के आसपास का रुपए का धोखाधड़ी हो गई है। पूछताछ करने पर फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके जून महीने की 18 तारीख को फरियादी के द्वारा समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके मोबाइल में 15 बार में करीब 6 लाख के आसपास का रुपए का धोखाधड़ी हो गई है। पूछताछ करने पर फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था कि उसका कहना था कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप एक वेरिफिकेशन कर दें। जैसे उसने वेरिफिकेशन किया सिम का, उसके मोबाइल में लगातार मैसेज आए और 15 बार में उसके खाते से करीब 6,423 रुपये का विड्रॉल हो गया। उसकी रिपोर्ट पर थाना समान के द्वारा तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक हमारे DI सर और हमारे SP सर के द्वारा टीम बनाई गई और टीम को झारखंड जहां पर ये घटना घटित करने के संबंध में तकनीकी सहयोग से आरोपियों का लोकेशन मिल रहा था, वहां एक टीम भेजी गई जिसमें प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित गोठिया गए थे और उनके साथ और भी स्टाफ गया हुआ था। उस स्टाफ के द्वारा जामतारा ज़िले के पुलिस का सहयोग लेकर वहाँ पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद कुछ तकनीकी सहयोग के माध्यम से और कुछ जानकारियों के माध्यम से उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया वहाँ से, और 2 लोग वहाँ जो घटनास्थल पे थे वो वहाँ से फरार हो गए। इसमें उसके जो स्कॉर्पियो का मालिक है और मोबाइल के धारक हैं, सिम के धारक हैं, उससे कनेक्शन के आधार पर ये आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपी को जो लाया गया उसके पूछताछ के उसके मेमो के आधार पर अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें एक मोबाइल जब्त हुआ है गाड़ी से जो आरोपियों के द्वारा यूज की जा रही थी, साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी यूज की जा रही थी, उसी के अंदर बैठ के आरोपीगण घटना को अंजाम देते थे जिससे छुप सकें, कहीं भी जाके उनका लोकेशन वगैरह ट्रेस आउट ना हो सके और इसके बारे में दूसरों को जानकारी ना मिल सके, तो उस स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है।